स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में। बात करेंगे इस वीडियो में आज हेडलाइट लेवलिंग स्विच के बारे में। तो ये हेडलाइट स्विच लेवलिंग का यूज़ क्यों होता है, पहले ये बात करूं तो दोस्तों होता ये है कि जब हमारी गाड़ी में रियर सीट में या तो गाड़ी की डिक्की में कुछ भारी सामान आ जाता है, तीन की जगह चार लोग बैठ जाते हैं, तो उस समय हमारी हेडलाइट का जो लेवल है वो लेवल हिल जाता है। तो वो सीधा रोड पर न पड़ने की बजाय हवा में फोकस उसका रह जाता है, तो उसे ठीक करने के लिए ये हेडलाइट लेवलिंग स्विच होता है। अब ये हेडलाइट लेवल ठीक न होने के कारण जब हम नाइट ड्राइविंग करते हैं तो एक तो हमारे जो हेडलाइट का फोकस है वो सही से रोड पर गिरता नहीं, उसके कारण हमें रोड सही से दिखाई नहीं देता। और दूसरी दिक्कत यह है कि सामने आने वाली जो भी गाड़ी है उस गाड़ी की सीधी विंडशील्ड पर, मतलब कि ड्राइवर की आंखों में ही हमारे ये कार हेडलाइट की रोशनी गिरेगी, तो उसे भी गाड़ी चलाने में दिक्कत होगी। तो इसे अवॉइड करने के लिए हेडलाइट स्विच का सही यूज़ हमें करना चाहिए। दोस्तों अब इस कार में आप देख सकते हो कि 0, 1, 2, 3 ऐसी एक हेडलाइट लेवलिंग स्विच है। अब 0 का मतलब ये है कि हमारी हेडलाइट लेवल टू लेवल है, मतलब हमारी गाड़ी में कोई भी लोड नहीं है तो हमें हेडलाइट को 0 पर सेट कर देना चाहिए। अगर हमारे कार के पीछे मतलब डिक्की में या रियर सीट में अगर कोई सामान या भारी वेट अगर आता है तो हमें 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 ऐसे जो कंडीशन हमें जितनी भी ज़रूरत हो उसके हिसाब से हेडलाइट को सेट कर देना चाहिए। मतलब कि 0 लेवल है और 1, 2, 3 ये डाउन लेवल है। जब आप आगे स्विच को फॉरवर्ड करेंगे 1, 2, 3, 4 तो ये डाउन होती जाएगी हेडलाइट। तो अभी देख सकते हो कि ये देखो 0 पर अभी लेवल टू लेवल है। उसके बाद अब हेडलाइट का फोकस आगे जो बाल्टी रखी है उस पर देख सकते हो, अभी जो देखो कि ये नीचे है, ये और नीचे हुई। तो इस तरह हेडलाइट लेवलिंग स्विच को हम यूज़ कर सकते हैं। और ये कैसे काम करता है, तो दोस्तों हमारी हेडलाइट है वहाँ पे रिफ्लेक्टर के पास एक मोटर दी गई होती है, तो वो मोटर हमारे रिफ्लेक्टर को अप डाउन कर दी है, तो इससे हमारा जो लेवल है वो अप डाउन होता है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और आपको जानकारी हासिल हुई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें।